Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों की चर्चा की अपने श्रृंखला में हमने बहुत सारे राजनीतिक चिंतकों के बारे में बातचीत की है उनके विचारों को आलोचनात्मक तरीके से समझने की कोशिश की है आज हम जिस राजनीतिक विचारक के बारे में बात करेंगे उनका नाम जवाहरलाल नेहरू है जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू ने आज़ादी के दौरान भी काफ़ी सारे आंदोलनों में भाग लिया काफ़ी लंबे समय तक वो जेल में रहे और जब देश आज़ाद हुआ तो देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश में लोकतंत्र को मजबूत करने देश के विकास को एक नई दिशा देने देश की विदेश नीति के स्वरूप को तय करने इत्यादि कई सारे आयामों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारी यह कोशिश होगी कि हम जवाहरलाल नेहरू के जीवन और उनके विचारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को आपके सामने रख पाए ताकि उनकी एक सामान्य समझ आपके मन में विकसित हो पाए जवाहरलाल नेहरू के बारे में बातचीत करते हुए हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जवाहरलाल नेहरू का जो पूरा जीवन है उसका एक हिस्सा जो है वो आज़ादी के संघर्ष के दौरान बना और व्यतीत हुआ और दूसरा हिस्सा जो है वो आज़ादी के बाद के दौर का है तो इस लिहाज से वे औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक भारत में सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनीतिक चिंतक के रूप में सामने आते हैं और उसी रूप में हम उनके जीवन और उनके विचारों के विकास को देख सकते हैं आज की जो हमारी पूरी चर्चा है उसकी एक रूपरेखा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ हम आ, उनका जीवन परिचय आपके सामने रखेंगे और उसमें यह बात भी होगी कि वो किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री रहें और किस अवधि तक रहें फिर समाजवाद संबंधी उनके विचारों पर हम बातचीत करेंगे धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र राष्ट्रवाद मानवतावाद युद्ध व शांति संबंधी विचार पंचशील समझौता और अंत में आलोचनात्मक मूल्यांकन से गुजरते हुए हम अपनी चर्चा के निष्कर्ष पर पहुंचेंगे अगर हम जवाहरलाल नेहरू के जीवन से शुरुआत करें तो उसमें बहुत तरह के उतार चढ़ाव रहे और उन्होंने अपने जीवन के आरंभिक दौर में या जिसे मैं कह रहा हूँ आज़ादी के पहले के दौर में अगर एक बड़ा एक लंबी अवधि जो थी उसमें उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रमुख नेता के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर अठारह को ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद में हुआ जिसे अब प्रयागराज के रूप में जाना जाता है उनके पिता मोतीलाल नेहरू थे और वे एक धनी बैरिस्टर थे जो कश्मीरी पंडित थे उनकी माता स्वरूप रानी थोषू थीं जो लाहौर में बसे एक सुपरिचित कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थीं जवाहरलाल अपने पिता के तीन बच्चों में से सबसे बड़े थे जिन्हें बाकी दो लड़कियां थीं बड़ी बहन विजया लक्ष्मी बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी बड़ी बहन का मतलब ये है कि वह जवाहरलाल नेहरू से छोटी थी पर दो बहनों में वो बड़ी थी और सबसे छोटी बहन कृष्णा हटी सिंह एक उल्लेखनीय लेखिका बनी और उन्होंने अपने परिवारजनों से संबंधित कई पुस्तकें लिखीं जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया के कुछ बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज लंदन से पूरी की थी इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की इंग्लैंड में उन्होंने सात साल व्यतीत किए जिसमें वहाँ के फैबियन समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित किया इसके पहलू के बारे में हम और विस्तार से बात करेंगे जब हम समाजवाद के बारे में उनके विचारों का मूल्यांकन करेंगे जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौटे और उन्होंने वकालत शुरू की 1916 में उनकी शादी कमला नेहरू से हुई 1917 में उनकी एक पुत्री का जन्म हुआ इसका उल्लेख इसलिए जरूरी है क्योंकि आ, उनकी पुत्री इंदिरा गांधी थी जो बाद भारत के में भारत की प्रधानमंत्री बनी 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग में शामिल हो गए राजनीति में उनकी असली दीक्षा दो साल बाद 1919 में हुई जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए उस समय महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था नेहरू महात्मा गांधी के सक्रिय लेकिन शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति खासे आकर्षित हुए और बाद के दौर में हम यह देखेंगे कि गांधी और नेहरू का साथ काफी लंबे समय तक चला और नेहरू को गांधी ने हमेशा ही एक आदर्श उत्तराधिकारी के रूप में देखा और उन्होंने बाद में यह कहा भी कि उनके बाद नेहरू उनकी भाषा में उनकी बातों को कहेंगे या उनकी बातों को आगे बढ़ाएंगे तो इस लिहाज से गांधी के साथ नेहरू जो थे वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में ही नहीं जुड़े बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी उनका गांधी से काफी निकट का संबंध विकसित हुआ नेहरू ने महात्मा गांधी के उपदेशों के अनुसार अपने परिवार को भी ढाल लिया जवाहरलाल और मोतीलाल नेहरू ने पश्चिमी कपड़ों और महंगी संपत्ति का त्याग कर दिया वे अब एक खादी कुर्ता और गांधी टोपी पहनने लगे जवाहरलाल नेहरू ने 1920-22 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया इस दौरान पहली बार वे गिरफ्तार हुए कुछ महीनों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया जवाहरलाल नेहरू 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हम यह देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो बाद में चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने उनकी राजनीतिक दीक्षा बहुत ही जमीनी स्तर से शुरू हुई और उन्होंने अपने शहर के नगर निगम के अध्यक्ष पद को संभाला और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में वे लगातार सक्रिय रहे उन्होंने शहर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में दो वर्ष तक सेवा की 1926 में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों से सहयोग की कमी का हवाला देकर त्यागपत्र दे दिया 1926 से 1928 तक जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा की 1928-1929 में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया उस सत्र में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही प्रभुत्व संपन्न राज्य का दर्जा पाने की मांग का समर्थन किया मुद्दे को हल करने के लिए गांधी ने बीच का रास्ता निकाला और कहा कि ब्रिटेन को भारत के राज्य का दर्जा देने के लिए भारत को दो साल का समय दिया जाए भारत को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने के लिए और यदि ऐसा नहीं हुआ तो पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए एक राष्ट्रीय संघर्ष शुरू किया जाए नेहरू और बोस ने मांग की कि इस समय को कम करके एक साल कर दिया यह पूरी का अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए इसी सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई 26 जनवरी उन्नीस 30 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया नेहरू इस वक्त तक युवाओं में अत्यधिक लोकप्रिय हो चुके थे और यहाँ इस बात का उल्लेख करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1928 में भगत सिंह ने एक लेख लिखा था और इसमें उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू की तुलना की थी और उन्होंने ये कहा था कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं इस तुलना के बाद और बहुत ही तर्कों पर आधारित उन्होंने तुलना की थी आ, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा था कि नेहरू जो हैं वो भविष्य की ओर देखने वाले नेता के रूप में हैं और सुभाष बोस कई बार अतीत के उदाहरणों और अ, नेता के रूप में सामने आ जाते हैं तो इसलिए उन्होंने कहा था कि युवाओं के लिए सही आदर्श जवाहरलाल नेहरू हैं इस दृष्टांत या उदाहरण से मैं सिर्फ यह रेखांकित करना चाह रहा हूं कि उन्नीस सौ के दशक में दो नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस युवाओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में स्थापित हो रहे थे और उसमें जो जवाहरलाल नेहरू थे वह कई लोगों को आकर्षित कर रहे थे कई दूसरे अन्य लोग होंगे जो सुभाष चंद्र बोस की ओर आकर्षित हो रहे होंगे इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है मैंने सिर्फ भगत सिंह का एक लेख उद्धृत किया जिसके माध्यम से मैं यह दर्शाना चाह रहा हूँ कि भगत सिंह ने इस बात को रेखांकित किया था कि जवाहरलाल नेहरू युवाओं के लिए एक बेहतरीन आदर्श हैं और उनकी विचारों की ओर युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए गांधी जी ने भी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया आंदोलन खासा सफल रहा और इसने ब्रिटिश सरकार को प्रमुख राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया जब ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1935 प्रख्यापित किया तब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया नेहरू चुनाव से बाहर रहे लेकिन जोरों के साथ पार्टी के लिए उन्होंने राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया कांग्रेस ने लगभग हर प्रांत में सरकार का गठन किया और केंद्रीय असेंबली में सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 1936 और सैंतीस में चुने गए थे उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी दी उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1945 में उन्हें छोड़ दिया गया यहाँ यह ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत की आज़ादी के संघर्ष के दौरान नेहरू कुल तीन दिन यानी तकरीबन नौ वर्ष तक जेल में रहे उन्नीस में भारत और पाकिस्तान की आजादी के समय उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ हुई वार्ताओं में महत्वपूर्ण भागीदारी की और ये जो नेहरू का जो पूरा जीवन है जिसका बहुत ही एक संक्षिप्त विवरण आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया उस विवरण में जो महत्वपूर्ण बात है वह यह कि उस दौर में जितने भी नेता थे जो सक्रिय थे वो लगातार अध्ययन के काम में लगे हुए थे एक दूसरे के साथ लोकतांत्रिक संवाद में से भी जुड़े हुए थे और ऐसा नहीं था कि उनके बीच में कोई होड नहीं थी ऐसा भी नहीं था कि उनके बीच में वैचारिक मतभेद नहीं थे लेकिन ये सभी नेता जिसमें नेहरू भी हैं सरदार पटेल भी हैं सुभाष चंद्र बोस भी हैं और निश्चित रूप से महात्मा गांधी तो हैं ही और कई अन्य नेता भी हैं वो आपस में संवाद करते हुए जो देश है उसकी आजादी की चिंता देश की बेहतरी की चिंता कर रहे थे यह मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि किस तरीके से जो अलग अलग नेता थे वो साथ साथ मिलकर काम कर रहे थे 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने हरिपुरा कांग्रेस में तो वहाँ पर उ, उस अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने देश की आज़ादी के बाद देश का विकास का मॉडल कैसा हो किस तरीके से योजना बनाकर देश का विकास किया जाए इसके लिए एक समिति का गठन किया जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई और उस समिति ने काफी गहराई से इस बात पर काम भी किया कि कैसे एक योजना बनाकर या प्लांट तरीके से या प्लानिंग के थ्रू प्लानिंग के माध्यम से एक देश का विकास किया जाए तो ये एक प्रक्रिया थी जिसमें लगातार लोग सक्रिय रहते थे जेलों में उनका आना जाना लगा रहता था और जैसे मैंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन का तकरीबन नौ वर्ष जेलों में गुजारा जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने उन्नीस में वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और उसके पहले भी वे उन्नीस में अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे थे और उसके बाद अंग्रेजों ने करीब पाँच राजवाड़ों को उन्होंने एक साथ अः किया या उनके सरकार के नेतृत्व में ऐसा हुआ वो उस समय एक बहुत बड़ी चुनौती थी और उसमें सरदार पटेल और वीपी मेनन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई खासतौर पर सरदार पटेल ने कूटनीतिक तरीके से अलग अलग जो रजवाड़े थे उनसे बातचीत की और नेहरू ने एक तरीके से पूरी स्वतंत्रता अपने गृह मंत्री को दी थी कई बार यह वाद विवाद भी होता है कि नेहरू और पटेल में शायद पटेल के साथ थोड़ा अन्याय हुआ और यह इतिहास का एक ऐसा वाद विवाद है जिस पर यहाँ जाने की गुंजाइश नहीं है लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि जब देश का विभाजन हुआ और देश के पुनर्निर्माण का, का, की एक चुनौती आई और उस समय जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ एक दूसरे से मिलकर काम किया उनके बीच मतभेद भी थे लेकिन वो उन मतभेदों से आगे जा पाए और उन्होंने देश को प्रथम रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया तो यहाँ इस बिंदु पर मैं सिर्फ इसी बात का उल्लेख करना चाह रहा हूँ कि नेहरू और पटेल में भिन्नता मत भिन्नता थी लेकिन उन्होंने बहुत ही सम्मानपूर्वक और विशेष रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्योंकि वो काफ़ी वरिष्ठ थे और जब उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तब भी उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से इसके खिलाफ़ कोई बात नहीं कही और यह भी बात दर्ज है कि निजी बातों में भी बहुत बार वो इसकी चर्चा नहीं करते थे कि ये चीज़ सही है गलत है कुछ उनके साथ गलत हुआ बल्कि वो लोग एक साथ मिलकर देश की भलाई के लिए काम कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू भारत के पुनर्गठन के रास्ते में उभरी हर चुनौती का समझदारी पूर्वक सामना करने का प्रयास करते रहे उन्होंने ऐसा किया जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आगे जब मैं लोकतंत्र संबंधी उनके विचारों पर बात करूंगा तो इस पर मैं विस्तार से आऊंगा कि, कि किस तरीके से हमें इन पहलुओं को और नेहरू के योगदान को देखना चाहिए उन्होंने योजना आयोग का गठन किया विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया और तीन लगातार पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया उनकी नीतियों के के कारण देश में में कृषि और उद्योग का एक एक नया युग शुरू हुआ नेहरू ने भारत की विदेश नीति विकास प्रमुख भूमिका निभाई जवाहरलाल नेहरू ने जोसेफ बरोस टीटो और अब्दुल गमाल नासिर के साथ मिलकर एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की 1961 में वह कोरियाई युद्ध का अंत करने स्वेज नहर विवाद सुलझाने और कांगो समझौते को मूर्त रूप देने जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में मध्यस्थ की भूमिका में रहे पश्चिम बर्लिन ऑस्ट्रिया और लाओस के जैसे कई अन्य विस्फोटक मुद्दों के समाधान में पर्दे के पीछे रहकर भी उनकी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन इस तरह के अंतरराष्ट्रीय योगदानों के लिए और डेसमंड की भूमिका के लिए 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया यहां मैं इस बात का उल्लेख करूंगा कि कई बार यह भी विवाद का विषय बनता है कि प्रधानमंत्री ने खुद को भारत रत्न देने का फैसला किया हालांकि अगर हम इस मामले के तह में जाएं तो असल में जो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने अपनी तरफ से यह फैसला लिया था और जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति के सम्मान को कायम रखने के लिए इस सम्मान को ग्रहण करने का फैसला किया था क्योंकि खुद राष्ट्रपति ने जब अपनी तरफ से फैसला लिया था तो नेहरू को ऐसा लगा कि अगर वो इससे इनकार करते हैं तो एक तरीके से राजेंद्र प्रसाद के सम्मान के साथ यह एक सही कदम नहीं होगा नेहरू ने चीन की तरफ मित्रता का हाथ भी बढ़ाया लेकिन 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया नेहरू के लिए एक बड़ा झटका था 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ा जिसमें उनकी मृत्यु हो गई तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उनके जीवन किस्से के संबंध में मैंने जिनकी चर्चा की है उन पर जब हम उनके वैचारिक आ, निर्मिति की तरफ जाएंगे उनके विचारों की तरफ जाएंगे तो मैं उन पर थोड़ी विस्तार से आपसे बात कहूंगा तो इसमें हम अगर नेहरू की प्रकाशित पुस्तकों की तरफ जाए तो उन, उनकी प्रकाशित पुस्तकों में एक पिता के पत्र पुत्री के नाम लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर ये किताब थी जो उन्होंने उन्नीस में लिखी विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री दो खंडों में 1933 में प्रकाशित हुई मेरी कहानी एन एन ऑटोबायोग्राफी 1936 में प्रकाशित हुई और यह जवाहरलाल नेहरू की एक अत्यंत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है जिसमें उनके विचारों की विकास उनके व्यक्तित्व के विकास की एक झलक मिलती है और भारत की खोज या हिंदुस्तान की कहानी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह 1945 में प्रकाशित हुई और इसके अलावा ने, जवाहरलाल नेहरू का एक वांग्मय भी है जो ग्यारह खंडों में प्रकाशित हुआ है इस तरीके से अगर हम नेहरू के लेखन को देखें तो वो काफी विपुल लेखन है और नेहरू ने एक बार यह कहा था कि अगर उनसे कोई लेखन करवाना है तो उन्हें फिर से जेल में डाल देना चाहिए क्योंकि नेहरू और उस समय के अधिकांश नेता जब भी राष्ट्रीय आंदोलन के काम में उन्हें पकड़ा गया जेल में बंद किया गया तो उस समय का सदुपयोग उन्होंने अध्ययन अध्यापन में किया और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की तो अब हम नेहरू के राजनीतिक विचारों की तरफ आगे बढ़ते हैं नेहरू के औपनिवेशिक भारत और स्वतंत्र भारत दोनों में ही सक्रिय नेता के रूप में हम उन्हें जानते हैं इस लिहाज से उनके राजनीतिक विचार में इन दोनों ही दौरों की राजनीति में उभर कर आए मुद्दों का प्रभाव साफ झलकता है सबसे पहले हम समाजवाद संबंधी विचार पर बात करते हैं नेहरू ने समाजवाद की अपनी विचारधारा विकसित की नेहरू ने कांग्रेस की 1936 के लखनऊ अधिवेशन को संबोधित करते हुए मार्क्सवाद के प्रति अपने आकर्षण को स्वीकार किया था कांग्रेस के भीतर गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता भी नेहरू के विचारों से प्रभावित थे और उन्हें अपने आदर्श के रूप में देखते थे और उसके पहले जब हम नेहरू के जीवन की बात कर रहे थे तो नेहरू अपने जीवन के जिस दौर में ब्रिटेन में रहे वहां पर भी वो फेवियन सोशलिस्ट के विचारों से काफी प्रभावित हुए थे तो फेवियन सोशलिस्ट और मार्क्सवाद के बीच में नेहरू हमेशा ही कहीं झूलते रहे अपने आरंभिक दौर में भी इसका मतलब क्या है इसका अर्थ यह है कि एक तरफ नेहरू जो थे वो मार्क्सवाद को सामाजिक बदलाव के लिए आकर्षक मानते थे और वो यह मानते थे कि जो समाज है उसमें गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए लेकिन मार्क्सवाद द्वारा एक लोकतांत्रिक तरीके से जो परिवर्तन है उसके संभावना को ना मानने के कारण भी नेहरू ने इसकी आलोचना प्रस्तुत की और उससे थोड़े वो दूर हुए क्योंकि अगर हम मार्क्सवाद के उस दौर के विकास को देखें तो उसमें सोवियत यूनियन एक प्रमुख मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया था और भारत में जितने सोशलिस्ट थिंकर थे समाजवादी चिंतक थे समाजवादी धारा 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के रूप में सामने आई नेहरूज के हिस्सा नहीं थे लेकिन नेहरू भी खुद को सोशलिस्ट मानते थे तो उन सब मन में मार्क्सवाद का आकर्षण होने के साथ-साथ मार्क्सवाद का जो रूप सोवियत यूनियन में उभर कर सामने आ रहा रहा था था उसका एक विकर्षण भी धीरे धीरे विकसित हो हालांकि के आसपास जब वो सोवियत यूनियन गए थे जवाहरलाल नेहरू तो वहां से काफी प्रभावित हुए थे लेकिन धीरे धीरे उनको यह एहसास हुआ और उनके मन में यह पहले से भी भावना थी कि लोकतांत्रिक मूल्य भी बहुत महत्वपूर्ण है तो लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ समाजवादी दिशा में परिवर्तन हो यह नेहरू के विचार के मूल में रहा और जीवन के अब बाद के दौर में उन्होंने मार्क्सवाद की अपनी आलोचना प्रस्तुत की जीवन के आखिरी दौर में एक इंटरव्यू में उन्होंने यह कहा कि चूंकि मार्क्स के जीवन काल में लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव का कोई मॉडल नहीं था इसलिए उन्होंने हिंसक क्रांति को वरीयता दी लेकिन उन्होंने बताया कि बाद के दौर में यह दिखा कि लोकतांत्रिक तरीके से भी बदलाव हो सकता है और इसीलिए फेवियन सोशलिस्ट की तरह उन्होंने यानी कि नेहरू ने आर्थिक बराबरी के लक्ष्य को लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जोड़ने पर भरोसा जताया मुझे उम्मीद है कि आप इसका अर्थ समझ रहे होंगे इसका अर्थ यह है कि जो जहां क्रांति हुई मार्क्सवाद को आधार बनाकर जैसे कि सोवियत यूनियन में वहां पर एक केंद्रीकृत शासन स्थापित हुआ लक्ष्य रखा गया कि समाज में समानता स्थापित की जाएगी लेकिन वहां के लोगों के जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं और इसी तरीके से कहीं आने जाने की स्वतंत्रता एक कुछ ऐसे व्यक्तिगत अधिकार जो हर व्यक्ति के पास होने चाहिए तो इन अधिकारों की उपेक्षा की गई सोवियत यूनियन में लेकिन नेहरू ने जिस रूप में समाजवाद को देखा उन्होंने इन दोनों पहलुओं को महत्वपूर्ण माना यानी कि समाज आर्थिक विकास की दिशा में भी बढ़े और इसके साथ ही साथ समाज में लोगों के पास कुछ व्यक्तिगत बुनियादी स्वतंत्रताएं भी रहें समाज के इस आदर्श सिद्धांत पर उनका आग्रह था कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि उनका समाजवाद रूसी समाजवाद या अन्य समाजवादों का अनुकरण नहीं है समाजवादी विचारधारा पर चलते हुए नेहरू ने देश के नियोजित विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि पूंजीवाद के कुछ तत्वों को भी लिया गया और समाजवाद के कुछ तत्वों को भी लिया गया पूंजीवाद के माध्यम से के तत्वों को लेने का अर्थ था कि पूरी तरीके से निजी उद्यमों पर पाबंदी नहीं लगाई गई उन्हें फलने फूलने का मौका दिया गया लेकिन इसके साथ ही राज्य ने भी विकास को नियोजित तरीके से आगे बढ़ाने का आ, की कोशिश की और स्वतंत्र भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल था इसके माध्यम से नेहरू ने इसे आगे बढ़ाया यहाँ एक बात का आ, मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं कि उन्नीस से ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में नियोजित विकास की एक योजना बनने लगी थी और जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष थे तो उन्होंने इस दिशा में पहल की थी लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे हम सब लोगों को जानना चाहिए वह बात यह है कि 1945 में महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर भारत को विकेंद्रीकृत ग्राम स्वराज के रास्ते पर ले जाने का आग्रह किया किंतु नेहरू ने व्यवहारिक विकल्प के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया महात्मा गांधी का यह मानना था कि जो हिंद स्वराज में उन्होंने विचार लिखे हैं और जहां पर वो विकेंद्रित यानी कि ग्राम स्वराज की बात करते हैं कि छोटे छोटे गांव आधारित उद्योग हों गांव के लोग अपने उद्योगों का अपने जीवन का स्वायत्त रूप में संचालन करें उनकी निर्भरता बड़े बड़े उद्योगों पर ना हो और एक ऐसा विकास का मॉडल हो जिसमें कि हर गांव अपने हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करें अपना उत्पादन करे अधिकांश मामलों में आत्मनिर्भर रहे तो यह जो मॉडल था नेहरू ने उस पत्र का जवाब देते हुए यह कहा कि जब उन्होंने हिंद स्वराज पढ़ा था तब भी वो उन्हें बहुत ही यूटोपियाई लगा था और अभी भी इस तरह के विचार उन्हें अव्यवहारिक लगते हैं नेहरू का मानना था कि तकनीक का प्रयोग करते हुए बड़े बड़े उद्योग लगाकर जो देश में उत्पादन की स्थिति है उसको बहुत बढ़ाया जा सकता है और जब उत्पादन बढ़ेगा तो फिर संसाधनों का वितरण उसी आधार पर किया जा सकता है उनका इस बात में कोई भरोसा नहीं था कि गांव के स्तर पर ऐसे छोटे छोटे उद्योग लगाए जा सकते हैं जिससे कि लोग अपना ग्राम स्वराज्य के रूप में अपने जीवन को व्यतीत कर पाए और इससे हमारा देश बहुत आगे चला जाएगा तो उन्होंने गांधी के इन विचारों को नकारा और भारत के इतिहास में यह जो पत्र पत्रों का आदान प्रदान है उसका काफ़ी महत्व है और बहुत सारे विद्वान अभी भी इसे लेकर काफ़ी चर्चा करते हैं और कई बार नेहरू के इसके लिए आलोचना भी की जाती है कि उन्होंने गांधी के सुझावों को या गांधी के विचारों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया नेहरू ने तीव्र आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास को गति दी और कृषि तथा भूमि सुधार द्वारा जमींदारों के शोषण से दबी हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने की कोशिश की उनका उद्देश्य एक आधुनिक ढांचे का निर्माण करना था वे व्यक्ति के एकाधिकार और पूंजी के केंद्रीकरण के खिलाफ थे यानी कि वो ये नहीं चाहते थे कि एक या दो या तीन या चार व्यक्ति ऐसे हों उद्यमी के रूप में जो पूरे के पूरे संसाधनों पर अपना अधिकार कर लें और बाकी जो पूंजी है देश की वो कुछ हाथों में सिमट कर रह जाए कुछ लोग हों जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति हो और देश की एक बड़ी जनसंख्या ऐसी हो जिसके पास कोई संपत्ति ना हो तो उन्होंने इसके खिलाफ एक मॉडल तैयार करने की कोशिश की वे अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करना चाहते थे और शहरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उपयुक्त संतुलन स्थापित करना चाहते थे उन्होंने लोकतंत्रीय साधनों के माध्यम से समाजवादी समाज की स्थापना में निष्ठा व्यक्त की तो एक तरीके से धर्मनिरपेक्षता पर उनके विचारों से आग पर आगे बढ़ने से पहले मैं यह बात रेखांकित करना चाहूँगा कि जो नेहरू का समाजवाद का मॉडल था उसमें वो लोकतंत्र के मूल्यों को सम्मिलित कर रहे थे तो इस लिहाज से जो सोवियत यूनियन में जो एक समाजवाद का मॉडल उभर कर सामने आ रहा था वो उससे दूर थे और वो फेव फेवियन सोशलिस्टों के नज़दीक थे उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया इसका मतलब यह था कि पूंजी यानी कि पूंजी के जो क्षेत्र हैं या पूंजीपतियों का जो अस्तित्व है वो कुछ क्षेत्रों में रहेगा लेकिन बहुत सारे दूसरे क्षेत्रों में राज्य ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से काम करने की कोशिश की और उद्योग लगाए और लोगों को रोजगार दिया और देश को विकास के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की तीसरा उन्होंने उन ढांचों को तोड़ने का प्रयास किया जो सामंती व्यवस्था का प्रतीक थे मिसाल के तौर पर जमींदारी व्यवस्था आधे अधूरे ढंग से ही सही लेकिन यह कोशिश की गई कि देश में भूमि सुधार हो और चौथी बात यह है कि उन्होंने महात्मा गांधी के इस सुझाव को नकार दिया कि जो देश है उसमें छोटे स्तर पर उत्पादन करके और बहुत ज्यादा प्रगति की तरफ देश को ले जाया जा सकता है ऐसी प्रगति जहाँ पर गांव जो हों वो स्वायत्त हो इसके बारे में मैंने पीछे चर्चा की है तो नेहरू ने इसे नकार दिया और जो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो यह कि उन्होंने एक ऐसे विकास मॉडल को अपनाया जिसके माध्यम से बड़े बड़े उद्योगों और तकनीक पर भरोसे के माध्यम से देश में आर्थिक बदलाव लाने की कोशिश की गई तो तकनीक पर भरोसा भी उनके समाजवाद संबंधी विचारों का एक प्रमुख आयाम है अब हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में उनके विचारों की पर बातचीत करते हैं असल में जब हम धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण है कई सारे विद्वान जो हिंदी में बातचीत के लिए यह कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के बजाय पंथ शब्द का प्रयोग होना चाहिए पर मैं यहाँ सेकुलरिज्म के अर्थ में धर्मनिरपेक्षता का प्रयोग कर रहा हूँ और यह मुमकिन है कि मैं आगे सेकुलरिज्म शब्द का ही प्रयोग करूँ तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखने की जरूरत है वो यह कि कांग्रेस ने 1931 के कराची अधिवेशन में इस मूल्य को स्वीकार किया था और हमारे राष्ट्रीय मूल्य आंदोलन में यह एक मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया था कि राज्य जो है वो धर्मों के मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा और उन्हें एक स्वायत्तता देगा राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा तो ये जो एक समझ थी वो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विकसित हुई थी अब नेहरू की धर्मनिरपेक्षता में काफी गहरी निष्ठा थी और सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नेहरू ने यह कहा था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है इसका अर्थ धर्महीनता नहीं है इसका अर्थ धर्मों के प्रति समान आदर भाव व सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर को सुनिश्चित करना है चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों ना हो इसलिए हमें अपने मस्तिष्क में अपनी संस्कृति के इस आदर्श में पहलू को सदैव ध्यान में रखना है जिसका आज के भारत में सबसे ज्यादा महत्व है उन्हीं के शब्दों में हम देश में किसी प्रकार की सांप्रदायिकता सहन नहीं करेंगे हम एक ऐसे आजाद धर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण कर रहे हैं जिसमें प्रत्येक धर्म तथा मत को पूर्ण आजादी और समान आदर भाव मिलेगा और प्रत्येक नागरिक को समान स्वतंत्रता तथा समान अवसर की सुविधा होगी धर्म से उनका आशय था निष्ठापूर्वक सत्य की खोज करना सत्य के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहना अपने स्वस्थ स्वरूप में धर्म असंख्य व्याकुल आत्माओं को शांति और सांत्वना देने वाला वाली महान है। नेहरू अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति काफी संवेदनशील थे और उन्होंने भारत में बहुसंख्यक वाद के वर्चस्व की राजनीति का तीखा विरोध किया हालांकि बाद के दौर में धर्मनिरपेक्षता की उनकी धारणा की आलोचना की गई और यह कहा गया कि इसने सार्वजनिक जीवन में धर्म की सकारात्मक भूमिका खत्म कर दी इस संदर्भ में प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री आशीष नंदी का विचार विशेष रूप से उल्लेखनीय है नंदी ने भारत में सांप्रदायिकता के उभार के लिए नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता को भी जिम्मेदार माना है यहाँ आगे बढ़ने से पहले कुछ बिंदु जो मैंने आपके सामने अभी रखा उसको थोड़ा विस्तार से मैं बताना चाहूंगा कि जो धर्मनिरपेक्षता का मूल्य नेहरू ने अपनाया उसमें वो पहली बात तो यह स्पष्ट करते हैं कि वो धर्म का विरोध या धर्महीनता नहीं है उनकी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान में भी वो इसी रूप में अपनाया गया है लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में और उसके पहले कांग्रेस नेता के रूप में जब देश की आजादी के पहले वो सक्रिय थे तो उन दोनों ही स्थितियों में जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही वह यह कि उन्होंने यह कोशिश की कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो तो अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता जो नेहरू की थी अल्पसंख्यक अधिकारों के प्रति और जो यह, वो यह मानते थे कि किसी भी तरीके से जो बहुसंख्यक समुदाय है उसे अल्पसंख्यकों पर हावी नहीं होना चाहिए उसने एक ऐसी स्थिति पैदा की जिसके कारण से कई बहुसंख्यकवादी नेता अक्सर यह कहने लगे और उनके जीवन के बाद इस बात पर बार बार जोर दिया गया कि असल में एक तरीके से अल्पसंख्यकों पर सरकार के द्वारा ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और बहुसंख्यक समुदाय के हितों की उपेक्षा की जा रही है तो एक आलोचना के के रूप में में यह यह बात सामने आई लेकिन नेहरू चाहते थे और बाद पश्चिम कई सिद्धांतकारों ने भी यह माना कि लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ सबको बराबर देखा जाए बल्कि इसका अर्थ यह भी है कि जो कम संख्या में है जो अल्पसंख्या में है उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किया जाए क्योंकि अगर वो प्रयास नहीं किया जाता है तो वो लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करेंगे एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं आगे बढ़ूंगा जैसे इस पूरे विमर्श में बात यह है कि मान लीजिए कि क्लासरूम में सौ लोग बैठे हैं जिसमें अस्सी लोग एक तरह की वेशभूषा वाले हैं एक तरह की भाषा बोलने वाले हैं और चार पाँच छः सात लोग ऐसे हैं जो कि दूसरी भाषा बोलते हैं वो हिंदी नहीं समझते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर क्लास के शिक्षक के रूप में मैं यह कहूँ कि हर कोई बोल सकता है हर कोई मुझसे सवाल कर सकता है और मैं यह बात हिंदी में बोलूं और बाकी सबको स्वतंत्रता है तो इससे बात नहीं नहीं बनेगी बल्कि एक शिक्षक के रूप में मुझे जाकर जो लोग बोल नहीं सकते हिंदी उनके पास विशेष रूप से जाना होगा और कोशिश करनी होगी कि उनके जो बोलने का अधिकार है वो सुरक्षित रहे तो नेहरू भी इसी रूप में अल्पसंख्यक अधिकारों की तरफदारी करते थे तो ये तो एक पहलू है दूसरा पहलू जिसकी तरफ आशीष नंदी ध्यान दिलाते हैं अपने प्रसिद्ध एंटी में वह यह है कि नेहरू ने धर्म को एक अज्ञेयवादी दृष्टि से देखा हो, जरूर लेकिन उनकी धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल था उसमें ऐसा माना गया कि हर व्यक्ति का जो धर्म या रिलीजन है वह उसके घर का मामला है और राज्य जो है इसमें कोई भूमिका नहीं निभाएगा तो इसमें हुआ यह कि धर्म की जो एक सकारात्मक भूमिका थी जिसके ऊपर गांधी जोर देते थे कि लोग मिलते हैं एक दूसरे की संस्कृति को जानते हैं एक दूसरे की परंपराओं को समझते हैं वो सकारात्मक भूमिका धीरे धीरे गायब हो गई और उसने जो सांप्रदायिक राजनीति है उसको एक आधार प्रदान किया तो इस लिहाज से नेहरू के सेकुलरिज्म से की आलोचना इन दो स्तरों पर की जाती है हालांकि बाद में कई सारे विचारक इस बात पर जोर देते रहे कि असल में नेहरू की धर्मनिरपेक्षता या उनके सेकुलरिज्म के आलोचना गलत तथ्यों के आधार पर की जाती है या एक खास तरह के राजनीतिक नजरिए से की जाती है और अगर भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में आगे बढ़ना है खुद को समृद्ध करना है तो उसको उसी मॉडल की तरफ बढ़ना होगा जिसकी तरफ नेहरू इशारा कर रहे थे नेहरू कि अगर हम लोकतंत्र संबंधी विचारों पर ध्यान दें तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि नेहरू महान लोकतंत्रवादी थे और उन्होंने लोकतंत्र को केवल राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा बल्कि आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र को भी लोकतंत्र की परिधि में वो लेकर आए उनका कहना था कि सामाजिक अस्पृश्यता व आर्थिक असमानताओं से पूर्ण समाज कभी भी लोकतांत्रिक नहीं हो सकता है और नेहरू ने जनसंपर्क को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग माना उनके अनुसार शासक और शासितों के मध्य निकट का संबंध लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अत्यंत लाभकारी होता है नेहरू ने लोकतंत्र की सफलता के लिए आत्म अनुशासन पर बल दिया उन्होंने आत्म अनुशासन व मानसिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए नागरिकों की को शिक्षित करने की आवश्यकता बताई नेहरू लोकतंत्र के लिए रूढ़िवादिता को घातक मानते थे उनका विचार था कि लोकतंत्र एक गतिशील विचार है वह अपनी समस्याओं को तर्क वितर्क से सुलझाए नेहरू जी संसदीय सरकार व मांगे मनवाने के संवैधानिक साधनों के पक्षधर थे और जैसे कि हमने पहले चर्चा की कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा व स्वतंत्रता की हिमायती थे नेहरू ने संसद में विपक्ष की आवाज को काफी महत्व दिया उनकी यह लगातार कोशिश रही कि विपक्ष मजबूती से उनकी आलोचना करती रहे नेहरू ने अपने मंत्रियों को स्वायत्तता भी प्रदान की और इस संदर्भ में जो नेहरू ने अपने मंत्रियों को स्वायत्तता प्रदान की यहाँ पर एक विशेष उल्लेख परिवार नियोजन के कार्यक्रम की भारत में शुरुआत से संबंधित है कि वह स्वायत्ता किस स्तर तक थी हम ये जानते हैं कि जब सरदार पटेल गृह मंत्री थे तो उनका कद इतना बड़ा था कि वो निश्चित रूप से काफी स्वायत्त होकर काम करते थे और कई बार प्रधानमंत्री नेहरू से उनकी एक तनावपूर्ण स्थिति भी आ जाती थी लेकिन जब पटेल इस दुनिया में नहीं रहे तो उसके बाद नेहरू का कद इतना बड़ा हो गया कि नेहरू के मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य थे वह उनसे व्यक्तित्व के स्तर पर छोटे लगने लगे लेकिन इसके बावजूद नेहरू की यह कोशिश होती थी कि जो भी मंत्रालय कोई मंत्री अगर संभाल रहा है तो वह स्वायत्त तरीके से उसके बारे में निर्णय ले आ, तो एक बार जब परिवार नियोजन की पूरी प्रक्रिया आरंभ हो रही थी तो नेहरू ने यह कहा जो अमेरिका के प्रतिनिधि थे जो इस बात को लेकर आए थे आ, अमेरिका के थे वो और विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े हुए थे तो जब यह बात हो रही थी तो उन्होंने यह कहा कि आपके सारे प्रस्ताव तो सही हैं लेकिन इसके बारे में राजकुमारी अमृत कौर फैसला करेंगे जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं तो आप उनसे एक बार मिल लीजिए तो ये सारी ये एक उदाहरण है इसके अलावा संसद में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जिस तरीके के नेहरू विचार रख रहे थे उसका पालन करने की भी उन्होंने काफी कोशिश की अगर वो यह कहते थे कि आलोचना का अधिकार लोकतंत्र में होना चाहिए तो वो अपनी आलोचना सुनने के लिए लगातार तैयार रहते थे और संसद में विपक्ष की संख्या छोटी थी लेकिन बार बार वो संसदीय बहस में खुद हिस्सा भी लेते थे और विपक्ष के सदस्यों की आलोचनाओं को गंभीरता पूर्वक सुनते थे वह उस स्थिति में भी संसद का सत्र बुलाने से नहीं झिझके जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था और पूरे संसद ने ए एक स्वर में उनकी आलोचना की तो आ, पूरे संसद का मतलब यहाँ पर विपक्षी दलों से है और आ, कुल मिलाकर मैं जो जिस बिंदु को रेखांकित करना चाह रहा हूँ वह यह कि जो नेहरू थे वह लोकतंत्र को एक आदर्श व्यवस्था के रूप में देखते थे और और निश्चित रूप से मानते थे कि लोकतंत्र समय के साथ बदलेगा और उसकी जो समस्याएं आएंगी आएंगी उसको लोग आपस में बातचीत के माध्यम से सुलझा सकते हैं इसके अलावा जो उनका लोकतंत्र का विचार था उसमें वो अल्पसंख्यक अधिकारों पर जोर देते थे वो संवाद की प्रक्रिया पर जोर देते थे और इसीलिए संसदीय लोकतंत्र में उन्होंने संसद को काफी महत्व दिया वे कोशिश करते थे कि संसद के बहसों में वो लगातार उपस्थित रहें इसके अलावा नेहरू ने अपने जो उनका जो लोकतंत्र का विचार था उसमें जो अलग अलग संस्थाएं थी उनकी स्वायत्तता को भी काफी महत्वपूर्ण माना और उनकी स्वायत्तता को सुनिश्चित रखने की कोशिश भी की तो मैंने इस तरफ इशारा किया कि आ, किस तरीके से नेहरू जो थे वो लोकतंत्र को एक एक विचार के रूप में सामने रखते हैं और व्यवहार में भी उन्होंने इसको कैसे जिया जब वे प्रधानमंत्री थे तो वो खुद एक समय अंतराल पर मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे लगातार संवाद करते रहते थे अब ऐसा नहीं है कि एक प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू का जो कार्यकाल रहा वह पूरी तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों के फलने फूलने का ही समय रहा और मिसाल के तौर पर उन्होंने कुछ राज्यों की सरकारों को भी हटाया सबसे प्रमुख उदाहरण उसमें केरल का दिया जाता है जहां पर चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त किया गया तो ये एक सीमाएं भी रहीं नेहरू के से जुड़े दस्तावेज को या उनके भाषणों को हम पढ़ेंगे या उनके जीवन को हम देखेंगे तो उसके संदर्भ में भी कई तर्क दिए जा सकते हैं लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करना एक लोकतांत्रिक कदम नहीं था तो लोकतंत्र के बारे में जो नेहरू ने अपने विचार व्यक्त किए उसको उन्होंने व्यवहार में भी निभाने की कोशिश की और उसकी सीमाएं भी रहीं राष्ट्रवाद के बारे में अगर हम नेहरू के विचारों पर ध्यान दें तो नेहरू ने राष्ट्रवाद को एक भावात्मक वस्तु के रूप में देखा उन्होंने लिखा कि राष्ट्रवाद वास्तव में गत प्रगतिशील प्रथाओं एवं अनुभवों की एक सामूहिक स्मृति है और राष्ट्रवाद की भावनाएं पहले के युग की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं जब जब देश पर संकट उपस्थित हुआ है राष्ट्रवाद ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया है नेहरू यह मानते थे कि राष्ट्रवाद व्यक्ति की प्रकृति में निहित है और अपने देश के प्रति निष्ठा एवं भक्ति रखना भी मानों का एक विशेष गुण है त्याज्य है उनका मत था कि उग्र राष्ट्रवाद मनुष्य के हृदय को संकीर्ण बना देता है देशभक्ति की भावना को इतना तीव्र बना देता है कि मनुष्य मनुष्य में पृथकता की भावना जागृत हो जाती है नेहरू इस संकीर्ण मनुष्य वृत्ति के कभी भी शिकार नहीं हुए वे चाहते थे कि भारतीय राष्ट्रवाद शांति सह अस्तित्व सहयोग एवं मैत्री भावना से पूर्ण आदर्श विश्व के समक्ष रखे तथा को प्रोत्साहन दे उन्होंने धर्म को केंद्र में रखकर विकसित किए गए राष्ट्र के अवधारणा को गलत माना उन्होंने यह कहा कि मुस्लिम लीग ने इस तरह की कोशिश की और इसी तरह का प्रयास भारत में स्वतंत्र भारत में कुछ हिंदुत्ववादी संगठन भी कर रहे हैं और वो मानते थे कि यह धर्म को रख कर केंद्र में रखकर जो राष्ट्र बनाने की बात है वो सही नहीं है और उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा को गलत माना था और जैसे मैंने पहले कहा कि वो कुछ हिंदू दक्षिणपंथी शक्तियों की भी इसीलिए आलोचना करते थे नेहरू एक मानवतावादी चिंतक थे वे एक राजनीतिज्ञ थे किंतु नैतिक आदर्शवाद में उनकी गहन आस्था जीवन भर बनी रही पीड़ित और शोषित लोगों के प्रति उनके हृदय में अगाध प्रेम और सहानुभूति थी नेहरू जीवन पर्यंत मानव जीवन के उच्चतर मापदंडों के लिए संघर्षरत रहे उनका मानव अस्तित्व और उसके सत्ता में पूर्ण विश्वास था और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वे लोकतांत्रिक समाजवादी बने रहे पर उन्होंने साम्यवाद के, के प्रति कोई आकर्षण नहीं दिखाया बल्कि उसकी आलोचना ही की युद्ध और शांति के संदर्भ में उनके विचार जवाहरलाल नेहरू विश्व शांति के लिए अनवरत प्रयास करते रहे अंतरराष्ट्रीय तनाव को दूर करने और विश्व शांति की स्थापना में योग देने के लिए उन्होंने गुटों से अलग रहने की विदेश नीति अपनाई उनका दृढ़ विश्वास था कि विभिन्न देशों के मध्य होने वाले विवादों का हल मध्यस्थता तथा पंच निर्णय के द्वारा हो सकता है युद्ध से किसी समस्या का हल संभव नहीं है उन्होंने युद्ध से चाहे कितनी भी घृणा की हो पर आवश्यकता पड़ने पर वो युद्ध के लिए तैयार रहते थे नेहरू ने द्विध्रुवीय विश्व में भारत और अन्य विकासशील देशों के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की हालांकि वर्ष 1955 से पूर्व भी स्वतंत्रता और तटस्थता की मांग की जा रही थी किंतु अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि गुटनिरपेक्षता की ओर पहला अहम कदम बांडुंग सम्मेलन 1955 के माध्यम से उठाया गया इसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अब्दुल नासिर सुकर्णो और मार्शल टीटो जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया इस सम्मेलन में विश्व शांति और सहयोग संवर्धन संबंधी घोषणा पत्र जारी किया गया बांडुंग सम्मेलन के छह वर्ष बाद दिसंबर 1961 में युगोस्लाविया के बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया इसमें कुल 25 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया इसमें सम्मिलित देशों ने सोवियत यूनियन या संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी गुट में शामिल होने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपनी स्वायत्त विदेश नीति कायम रखी आज के दौर में गुटनिरपेक्षता कितनी प्रासंगिक है यह एक चर्चा का विषय हो सकता है और खासतौर पर चर्चा इसलिए की जाती है क्योंकि गुट निरपेक्षता एक खास संदर्भ में उभर कर सामने आया था जबकि दुनिया में दो महाशक्तियां थी तो सोवियत यूनियन के रूप में जब एक महाशक्ति खत्म हुई तब भी कई लोगों को का यह कहना रहा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइन मूवमेंट के रूप में जिसे जाना जाता है वह इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि वह विकासशील देशों को एक मंच मुहैया कराता है साथ ही वह इस बात की उद्घोषणा करता है कि भले ही विश्व एक ध्रुवीय हो फिर भी आ, सारे देश जो एक ध्रुवीय विश्व में एक ध्रुव है उसके नहीं है बल्कि वे अपनी स्वायत्त विदेश नीति को जारी रखना चाहते हैं उसके प्रति उनका एक समर्पण है तो ये एक वाद विवाद जरूर है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता के, के संदर्भ में और आप सब भी यह महसूस करेंगे कि बहुत ज्यादा चर्चा अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नहीं होती है लेकिन जो महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी चाहिए वह यह कि जब गुण आंदोलन का गठन किया गया तो यह बहुत ही साहसपूर्ण कदम था क्योंकि यह एक तरीके से इस बात की उद्घोषणा थी कि भले ही सोवियत यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका दो महाशक्तियां हों लेकिन कई ऐसे देश हैं जो इनसे स्वायत्त होकर अपनी विदेश नीति जारी रखना चाहते हैं और वो लगातार इसके प्रति वचनबद्ध भी हैं अब यहाँ एक चीज और देखने की बात है कि कई सारे लोग नेहरू की आलोचना करते हुए कहते हैं कि नॉन अलाइन मूवमेंट से जुड़ने की बजाय नेहरू अगर किसी एक गुट से जुड़ जाते तो शायद हिंदुस्तान के हितों को ज्यादा सुरक्षा हो सकती थी लेकिन कई दूसरे टीकाकारों का यह मानना है कि असल में नेहरू का यह फैसला ज्यादा व्यवहारिक फैसला था क्योंकि ऐसा करके वो सोवियत यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों से भारत के संदर्भ में कुछ लाभ भी ले पाए और उन्होंने अपनी स्वायत्त विदेश नीति को भी कायम कायम रखा किसी के सामने उन्होंने घुटना भी नहीं टेका लेकिन स्वायत्त रूप से दोनों से मदद लेकर भारत की विकास की दिशा में आगे बढ़ने का भी प्रयास उन्होंने किया तो इस संदर्भ में इसे कई लोग एक सकारात्मक कदम के रूप में देखते हैं वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय और परामर्श का मंच है इस समूह में वर्ष 2018 तक कुल 120 विकासशील देश शामिल थे इसके अतिरिक्त इस समूह में 17 देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है नेहरू की विदेश नीति या का एक महत्वपूर्ण आयाम पंचशील समझौता भी है वर्ष उन्नीस में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हस्ताक्षरित किया गया इसका मूल उद्देश्य दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण अस्तित्व की व्यवस्था को कायम करना था तो पंचशील सिद्धांतों के माध्यम से ऐसे नैतिक मूल्यों का समुच्चय तैयार करने की कोशिश की गई जिन्हें प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना सके और एक शांतिपूर्ण वैश्विक व्यवस्था का निर्माण कर सके पंचशील सिद्धांतों के अंतर्गत शामिल किए गए प्रमुख पांच सिद्धांत निम्न प्रकार हैं प्रत्येक देश एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का परस्पर सम्मान करेंगे गैर आक्रमण का सिद्धांत इसमें अपनाया गया दूसरे स्तर पर इसके तहत तय तह किया गया कि कोई भी देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा तीसरा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे चौथा इसके तहत तय किया गया कि सभी देश एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेंगे तथा परस्पर लाभ के सिद्धांत पर काम करेंगे पांचवा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत इसमें शांतिपूर्ण या पीसफुल को एग्जिस्टेंस को माना गया इसके तहत कहा गया कि सभी देश शांति बनाए रखेंगे और एक दूसरे के अस्तित्व पर किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न नहीं करेंगे नेहरू के विचारों की आलोचना भी काफी की गई लेकिन उस तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आ, आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा कि जो नेहरू के पंचशील की हम बात करते हैं अगर बाद में हम जॉन रॉल्स की किताब द लॉ ऑफ पीपल्स को देखें तो वो अलग सैद्धांतिक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं लेकिन जब वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए कुछ नियमों की बात करते हैं तो वहाँ पर वो भी इसी तरह से आठ प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जिसमें कई सारी बातें जो पंचशील में है वो उसमें भी दिखती हैं तो एक परिकल्पना करना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अलग अलग देश हैं वो कैसे रह सकते हैं वो किस तरीके से आपस में सहयोग कायम रख सकते हैं शांतिपूर्ण स अस्तित्व रख सकते हैं अपने मसलों को संवाद के साथ सुलझा सकते हैं उसका एक मॉडल पंचशील के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत करने की कोशिश की लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि नेहरू के विचारों की काफ़ी गहरे स्तर पर आलोचना की जा सकती है आलोचना की जाती रही है नेहरू के विचारों की एक बड़ी आलोचना जो है उनके आर्थिक नीतियों के संदर्भ में है जिसमें यह कहा जाता है कि इसके कारण विकास की गति धीमी रही कई सारे आलोचकों का यह मानना है कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने का फैसला था वह सही नहीं था क्योंकि जो सरकार के हस्तक्षेप से जो काम शुरू हो रहे थे वो शुरुआत में तो सही रहे लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक तरह के लाल फिता को जन्म दिया जिसका मतलब है कि बहुत सारी प्रक्रियाओं पर आ, रोक लगाना जिसको कि आम जिंदगी में कहा जाता है फाइल के मूवमेंट का धीमा होना एक टेबल से दूसरे टेबल तक फाइल जाने में लंबा समय लगना जो सरकारी कार्यालयों की कई बार विशेषता मान ली जाती है तो इस तरह की प्रक्रिया आरंभ हो गई कई जगह पर जब राज्य के द्वारा उद्योगों को स्थापित करने की बात कही गई तो वहां उत्पादकता दर धीमी रही और इसकी काफी आलोचना हुई और यह भी कहा गया कि इससे न सिर्फ भारत का जो विकास दर है वो धीमा रहा बल्कि इसके साथ ही साथ उसके सामने एक आर्थिक संकट भी आ गया जिससे के लिए भारत को फिर नई आर्थिक नीतियों को उन्नीस सौ में अपनाना पड़ा कुछ दूसरे आलोचक यह भी कहते हैं कि एक तरफ तो नियोजन को अपनाया गया जिसमें कि आधारभूत संरचना के निर्माण का काम राज्य ने अपने अपने ऊपर ले लिया पर दूसरी तरफ जो है वो एक ऐसी स्थिति अपना ली गई जहां पर आ, जो ऐसे क्षेत्र थे जहां मुनाफा हो सकता था वहां पर निजी क्षेत्र को छूट दे दी गई तो वो दोनों व्यवस्था जो हैं उन्हें कोई आधारभूत संरचना बनाने का काम नहीं करना था पर वो मुनाफा कमा सकते थे और राज्य के ऊपर बोझ आ गया कि वो आर्थिक संरचनाओं का निर्माण करें तो इससे एक इसकी एक आलोचना जरूर इस रूप में प्रस्तुत की जाती है फिर यह भी कहा जाता है कि जो भूमि सुधार का कार्यक्रम राज्य ने अपनाया असल में उसे और गहराई से और अच्छी तरह से लागू करने की जरूरत थी पर वो अनमने तरीके से लागू किया गया उसमें बहुत गंभीरता नहीं दिखाई गई एक कारण इसका यह भी था कि कांग्रेस में जो कई सारे नेता थे स्थानीय स्तर पर जो बड़े कार्यकर्ता थे वो सब ऐसे ही परिवारों से आते थे और उनके दबाव के कारण इस तरह की जो नीति थी उसको जितनी ईमानदारी जितने शिद्दत और जितनी पूर्णता के साथ लागू करने की जरूरत थी वह नहीं किया गया और नेहरू की जो विकास का जो मॉडल था और जैसे मैंने आपको जिक्र किया गांधी और नेहरू के बीच में जो पत्रों का आदान प्रदान हुआ उसका तो उस संदर्भ में भी आलोचना नेहरू की अब सामने आती है क्योंकि जिस तरीके के विकास का मॉडल जवाहरलाल नेहरू ने अपनाया जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा जिसे बढ़ावा दिया गया उसके कारण से बड़े पैमाने पर जो स्थानीय समुदाय हैं मुख्य रूप से जिसमें आदिवासी थे जो कि उन स्थानों पर थे जहा के संसाधन थे उनका विस्थापन हुआ पर्यावरण का नुकसान हुआ और ये जो पूरी स्थिति बनी उसने भारत के सामने एक तरीके से पर्यावरण का संकट भी खड़ा कर दिया तो यह जो एक तकनीक पर आधारित बड़े उद्योगों पर आधारित प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर आधारित विकास का मॉडल था उसकी भी काफी तीखी आलोचना लोगों के द्वारा की जाती रही है और इस संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि असल में जवाहरलाल नेहरू के समय में भी और शायद आज के समय में भी बहुत सारे लोग सिर्फ जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि बहुत सारे लोग बहुत सारे चिंतक जो हैं वो इसी तरह के विकास मॉडल पर भरोसा करते थे जिस पर जवाहरलाल नेहरू ने आगे बढ़ने की कोशिश की यानी तकनीक और बड़े उद्योगों पर आधारित विकास मॉडल सुभाष चंद्र बोस ने इसी तरीके के विकास मॉडल को, को की योजना तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया था उन्नीस में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भरोसा भी इसी तरीके के विकास पर था तो ये जो एक वैकल्पिक रास्ता विकास का जो हो सकता है उसके बारे में एक रास्ता जो गांधी बता रहे थे वो कई लोगों को बहुत ही अव्यवहारिक लगता था लेकिन बाद के दौर में इतिहास ने यह दिखाया कि यह जो सोच थी वह आ, पूरी तरीके से अव्यवहारिक नहीं थी और शायद उस रास्ते पर बढ़ने से विकास का एक अलग रास्ता मिल सकता था जहां पर प्रकृति के संसाधनों का इतना दोहन नहीं होता पर्यावरण पर की ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होती लोगों का इतनी बड़ी संख्या में विस्थापन नहीं होता तो ये एक गतिशील वाद विवाद भी है लेकिन निश्चित रूप से नेहरू की आलोचना क्योंकि वो उस देश इस समय देश के प्रधानमंत्री थे क्योंकि नीतियों के निर्धारण में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही तो इसके कारण से उनकी आलोचना की जा सकती है और मैंने जो एक और बिंदु जोड़ने की कोशिश की वह सिर्फ यह कि नेहरू के साथ साथ बहुत सारे दूसरे लोग जो थे उस समय भी और आज के दौर भी वो इसी विकास मॉडल को सही विकास मॉडल मानते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाए कि बड़े उद्योगों का स्थापित किया जाए और इसके माध्यम से उत्पादन को बढ़ाकर और फिर संसाधनों का वितरण किया जाए और देश में उससे समानता आएगी और फिर कई बार इसमें ट्रिकल डाउन थ्योरी भी आता है कि उत्पादन बढ़ेगा तो सब तक कुछ ना कुछ पहुंचेगा ही तो ये एक बिंदु मैंने जोड़ने की कोशिश की उनकी विदेश नीति को यथार्थ पर भी वो और ज्यादा प्रेगमेटिक और व्यवहारिक नीति अपना सकते थे लेकिन उन्होंने आदर्श नीति को अपनाते हुए कश्मीर में जनमत संग्रह वाली जो बात थी उसको आगे बढ़ा दिया या उसको रोकने में सफल नहीं रहे चीन के मामले में उनकी असफलता को पर बार बार चर्चा होती है और निश्चित रूप से उनकी जो चीन नीति थी वह बहुत ही विफल रही चीन को उन्होंने एक दोस्त के रूप में आगे बढ़ाया आ, उनके साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की और उस दौरान सेना की मजबूती के लिए जितना प्रयास किया जाना चाहिए था, था शायद उतना प्रयास नहीं हुआ और उसके कारण से भारत को उन्नीस के चीन के आक्रमण के समय काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा और वह नुकसान भौगोलिक क्षेत्र के रूप में कुछ हद हाँ तक हुआ और कुछ हद हाँ तक जो एक राष्ट्रीय स्वाभिमान को जो चोट थी उस रूप में भी हुआ जिसमें बाद में भारत ने खुद को मजबूती से उबारने की कोशिश की तो नेहरू की विदेश नीति को कुछ हद हाँ तक यूटोपियाई माना जाता है जो यूटोपियाई का अर्थ यह है कि आप अपने पड़ोसी देश पर इतना ज्यादा भरोसा कर लें कि आपको यह लगे कि कभी भी वह आपके ऊपर हमला कर ही नहीं करेगा ही नहीं और एक हिंदी चीनी भाई भाई का माहौल हमेशा रहेगा गुट निरपेक्षता की भी नीति की भी आलोचना की जाती है जिसके बारे में पीछे मैंने काफी विस्तार से चर्चा की है और एक अन्य जो उनकी आलोचना का बिंदु है वह है धर्मनिरपेक्षता का उनका विचार और अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से मुस्लिम समाज के भीतर समाज सुधार का प्रयास नहीं करना धर्मनिरपेक्षता के विचार के जो उनकी आलोचना है उसका जिक्र मैंने वहां पर विस्तार से किया जहां पर हम के बारे में जो उनके विचार हैं उनकी चर्चा कर रहे थे हमने आशीष नंदी की के बात की की आलोचना बात और उसके नेहरू के के विचारों के पक्ष में जो बातें हो सकती थी वहां मैंने इसका उल्लेख किया है इसलिए मैं विस्तार से यहाँ नहीं जाऊंगा सिर्फ मैं इसी बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि आ, कई सारे समूह अलग अलग कारणों से नेहरू की जो सेक्युलरिज्म की नीति थी उसकी आ, या सेक्युलरिज्म के बारे में जो उनका विचार था उसकी आलोचना करते हैं और एक आलोचना जो है वो हिंदुत्ववादी शक्तियों के द्वारा की जाती है जिसमें यह कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा अल्पसंख्यकों के हितों पर ही ध्यान दिया बहुसंख्यकों की उपेक्षा कर दी दूसरी आलोचना जो है वो एक अकादमिक लोगों के द्वारा दी जाती है जो कि भारत में सर्वधरो देखना चाहते हैं जो भारत में सांप्रदायिक राजनीति का उभार नहीं देखना चाहते हैं इन लोगों का यह मानना है कि नेहरू ने धर्म की जो सार्थक सकारात्मक भूमिका हो सकती थी उसको नकारा एक और, और अर्थ में नेहरू की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े किए जाते हैं और वह अर्थ यह है कि नेहरू ने अल्पसंख्यक समुदायों को उनके हाल पर छोड़ दिया यानी कि विशेष रूप से मुस्लिमों के संदर्भ में कि जिस तरीके के सुधार के कार्यक्रम आ, मिसाल के तौर पर हिंदू कोड बिल के माध्यम से जो अंबेडकर लाना चाहते थे और जिस जिसका लगातार विरोध हुआ और फिर अंबेडकर ने नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और बाद में नेहरू ने कई अलग अलग कानूनों के रूप में उन्हीं सब बातों को लागू किया जो कि अंबेडकर के हिंदू कोड बिल में था तो जो अः ये चीज जिस तरह का सुधार नेहरू ने किया वह सुधार वह अः मुस्लिमों के संदर्भ में करने में समर्थ नहीं रहे मुस्लिमों के भीतर उन्होंने आर्थिक आ, आर्थिक या सामाजिक सुधार करने की कोशिश नहीं की आर्थिक आ, तो पूरे देश के लोग को जो लाभ मिल रहा था उसकी कोशिश हो सकता है मुस्लिमों तक भी उन्होंने की हो आ, या सरकार के द्वारा ऐसा हुआ हो लेकिन सामाजिक स्तर पर वो साफ तौर पर दिखता है कि उनके भीतर जो सामाजिक रूढ़िया थी उसमें कैसा सुधार हो ये किस तरीके से उसे बेहतर बनाया जाए इस दिशा में सरकार को और काम करने की जरूरत थी लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने एक अहस्तक्षेप की नीति वहां पर अपना ली और इसके लिए नेहरू की आलोचना भी हुई तो नेहरू का यही कहना था उस संदर्भ में कि इसकी आवाज़ एक अल्पसंख्यक समुदाय के भीतर से आनी चाहिए क्योंकि वह अल्पसंख्यक समुदाय अगर यह महसूस करता है कि एक बहुसंख्यकवादी सरकार के द्वारा या एक ऐसे सरकार के द्वारा जिसमें बहुसंख्यक समुदाय के लोग ज्यादा बैठे हुए हैं अगर यह हस्तक्षेप हो रहा है तो वह उसकी धार्मिक आजादी में दखलंदाजी मानी जा सकती है मैं आपका ध्यान सिर्फ इस दिलाना चाहता हूँ कि बाद में 1980 और 1990 के दशक में जब बहु संस्कृतिवाद के रूप में एक वाद विवाद उभर कर सामने आया और तो उसमें भी इस तरह की जो एक डायलेमा है एक दुविधा की जो स्थिति है वह मौजूद है कि आखिर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी परंपराओं में किस तरह की दखलंदाजी की जाए तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जो नेहरू का जो विचार था अल्पसंख्यकों विशेष रूप से मुस्लिमों के भीतर सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के प्रति उसकी आलोचना हो सकती है और उसकी आलोचना सही भी हो सकती है लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि यह एक निरंतर जारी रहने वाली दुविधा के रूप में राजनीति सिद्धांत के भीतर भी मौजूद है और अन्य देशों के भीतर भी इस तरह की समस्याएं मौजूद हैं कि बहुसंख्यकों नेतृत्व वाली या बहुसंख्यकों से मत पाकर शासन करने वाली जो एक सरकार है वह किस रूप में अल्पसंख्यकों के धार्मिक प्रथाओं में दखलंदाजी करे मैं यहां यह जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने नेहरू के कुछ विचारों को आपके सामने रखने की कोशिश की है और वो कई सारी जो चर्चाएं हैं थोड़ी संक्षिप्त भी रही लेकिन इसमें कोई संदेह हमें नहीं होना चाहिए कि नेहरू एक ऐसे विचारक के रूप में हमारे आ, देश में सामने आए जिन्होंने अपने विचारों से इस देश की राजनीति की दशा और दिशा को काफी प्रभावित किया उसे एक अलग दिशा में वो ले जाने में सफल रहे अलग दिशा से मेरा तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान के जो संस्थापक माने गए जिन्ना वो भी चाहते थे कि पाकिस्तान एक सेकुलर राष्ट्र बने लेकिन वह धार्मिक रूढ़ियों से ग्रसित राज्य में तब्दील हो गया पर नेहरू ने भारत को उस रास्ते पर चलने से रोका और बहुत सारे और लोगों ने जो देश की आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए थे उन्होंने भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई लेकिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू की यह भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही उन्होंने देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत किया इसीलिए बहुत सारे देश जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है फिर उसके बाद बांग्लादेश भी कई अफ्रीकी देश भी श्रीलंका भी जो कि आजाद हुए भारत के आजादी के आसपास ही वहां पर सैन्य शासन आ गया पर वह नेहरू का प्रयास ही था कि हिंदुस्तान में जो लो, लोकतांत्रिक संस्थाएं बहुत मजबूती से स्थापित हुई हालांकि बाद के 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 दौर में में छोटे समय के लिए छोटे के लिए अवधि भारत में भी आपातकाल लगा और फिर संघर्ष से जनता ने लोकतंत्र को फिर से हासिल किया तो कुल मिलाकर नेहरू का यश रह जाता है कि वह भारत के विकास को भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं को एक बहुत ही मजबूत आधार देने में सफल रहे तो मैं यह उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैंने जवाहरलाल नेहरू के बारे में अभी चर्चा की है उससे आपको उनके जीवन के बारे में कुछ तथ्यों की जानकारी हुई होगी और उनके जो कुछ बुनियादी विचार हैं उन विचारों के जो मुख्य तत्व हैं उनके बारे में भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे मेरी यह कोशिश रही है कि मैं उनकी आलोचनाओं को भी आपके सामने साफ तौर पर रखू बहुत सारी आलोचनाएं जो सोशल मीडिया पर आप देखते हैं उन वो तथ्यों से रहित भी होती हैं लेकिन अगर कोई विचारक है एक समय पर वो जन्म लेता है है कुछ काम करता है, तो उसके विचारों की और उसके काम की सीमाएं भी हमारे सामने साफ तौर पर आती हैं और उसके लिए सबसे पहले हमें उनके विचारों को समझना होगा तब हम उनकी आलोचनाओं का विकास कर सकते हैं और आलोचनाएं हमेशा ही समृद्ध करने वाली होती हैं तब हम ज्यादा स्पष्टता से किसी विचारों को समझ पाते हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस चर्चा के बाद आप जवाहरलाल नेहरू के बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे उनके लेखन को पढ़ेंगे और आप उनके विचारों को और ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो आज की इस पूरी चर्चा को हम यही विराम देते हैं अगले अंक में हम मिलेंगे और एक अन्य राजनीतिक चिंतक के बारे में बातचीत करेंगे नमस्कार